Hello everyone today we will going to discuss about the anatomy of your hip bone so this is your hip bone and this is a large irregular bone made up of three parts फर्स्ट वन इज योर एलियम देन योर ईशियम एंड देन योर प्यूबिस तीन पार्ट से मिलकर ये बोन बनता है और जहाँ ये तीनों पार्ट्स एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं दिस इज अ कन्वेक्स कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एसिटाबुलम कहते हैं ठीक है थेके? और ये एसिटाबुलम आपके हेड ऑफ फीमर से जॉइंट होता है और जो जॉइंट बनाता है दैट इज योर हिप जॉइंट एंड दिस इज अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट सो दिस इज योर फीमर एंड दिस इज द हेड ऑफ द फीमर विच आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम एंड फॉर्म योर हिप जॉइंट ओके नेक्स्ट जो आपका प्यूबिक होता है प्यूबिस कंजेस्ट अ प्यूबिक सिम्फाइसिस अ जॉइंट फॉर्म दैट इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस जो आपका अनदर प्यूबिक बोन है दोनों साइड की प्यूबिक बोन जहाँ अटैच होती है इट विल फॉर्म अ जॉइंट दैट इज़ नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस ओके और इसके पोस्टीरियर आस्पेक्ट में आपका सेक्रम कनेक्ट होता है जॉइंट होता है पूरा हिप गर्डल बनाता है सो so, मैं ट्राई करती हूँ उसको कनेक्ट करने की सो इन दिस वे अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे इट विल बी लाइक दिस आपका सैक्रम यहाँ कनेक्ट होता है दिस विल फॉर्म द कम्प्लीट हिप गर्डल ओके सो अब हम इसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं सो so, जो हमारा एसिटाबुलम है ना इसका एसिटाबुलम वो लेटरली होगा ऑब्वियस सी बात है लेटरली उसको हिप जो फीमर है उसके साथ अटैच होना है तो वो लेटरली लाई करेगा एंड सेकेंड थिंग आप देख सकती है जो फ्लैट एक्सपेंडेड पार्ट है जो आपका इलियम है वो ऊपर की तरफ होता है ठीक है तो दिस इज़ सुपीरियरली दिस इज लेटरली और जो आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस है ठीक है या फिर आप ऑप्टोडेट फॉराम देख सकते हैं एसिटाबुलम के नीचे जो है ये इन्फीरियरली प्रेजेंट होगा तो आपको एसिटाबुलम को लेटरली रखना है इसको इन्फेरियरली इसको सुपीरियरली देन यू कैन डिसाइड कि ये आपकी राइट साइड की हिप बोन है राइट प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो जॉइंट है वो एंटीरियरली बनेगा और जो कॉकिक्स के साथ जॉइंट बन रहा था वो पोस्टीरियरली बनेगा ठीक है सो दिस इज योर राइट साइड हिप बोन ओके लुक इन features फीचर्स ऑफ योर हिप बोन सो योर हिप बोन a iliac क्रस्ट ठीक है इलियम के जस्ट ऊपर एक क्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं दिस इज योर एलियक क्रेस्ट। उसके अलॉन्ग एक टूबर्कल होता है ठीक है उसके बाद आप यहाँ पे तीन ग्लूटियर लाइंस देखेंगे दिस वन इज योर पोस्टीरियर ग्लूटियर लाइन दिस इज़ योर एंटीरियर ग्लूटियर लाइन एंड दिस वन इज योर इन्फीरियर ग्लूटियर लाइन ओके ओके नाव यू कैन सी द टू स्पाइन्स इन द पोस्टीरियर aspect of hip bone and two spine in the anterior aspect of hip bone so in the posterior aspect it is known as PSIS any yani posterior superior iliac spine and posterior inferior iliac spine PIIS and here you can see anterior superior iliac spine and anterior inferior iliac spine done now here you can see two notches the greater one is greater sciatic notch and the small one is your lesser sciatic notch is that clear? Now you can see the acetabulum okay and uh, in the acetabulum along the acetabulum there are some lines these line is known as pectineal line of superior ramus okay this is your medial surface which lie medially and form the joint with another Pubic and form uh, the joint is known as pubic symphysis. Is that clear? This is your inferior ramus. This is your ischium pubis pubis ramus jahan pe ischium aur pubis जाके attach hota hai joint hota hai theek hai so this is your ischium pubis ramus pubic ramus and this is your femoral surface of ischium क्योंकि यहाँ पे आपकी femur attach होती है. This is your ischial tuberosity. This is also known as sitting bone क्योंकि आपकी bone ऐसे align है तो जब आप बैठते हैं तो आपका जो पूरा pressure होता है body का वो इस बोन के ऊपर होता है सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज सिटिंग बोन नाउ लेट्स हैव ए लुक इन द पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ द बोन सो दिस इज योर इलियक फोसा ओके बिकॉज दिस इज बिट कनकेव फोसा की तरह ये थोड़ा सा कनकेव स्ट्रक्चर हैट्स वाई इट इज नोन एज इलियक फोसा एंड दिस इज द मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज योर इलियक चुबड़ोसिटी वाइल here you can see a rough surface very rough surface that is also known as your uh, auricular surface okay and this surface before the auricular surface is preauricular sulcus is that clear now this is a greater, greater sciatic notch this is your lesser sciatic notch and this is your ischial spine okay now you can see here a uh, iliopubic aminence okay then when you run down, here you can see your pelvic surface of superior ramus and this surface, this is your symphysial surface of pubis which cut to another pubic This is your, uh, in the obturator foramen, your obturator membrane is present and this is your posterior border of pelvis and the pelvic surface of ischium Is that clear? Now have a look in the muscle attachment of your hip bone सो so, सबसे पहले इसका जो इलियक क्रेस्ट है इससे आपकी इंटरनल ऑब्लिक एंड देन एक्सटर्नल ऑब्लिक ओरिजिनेट होती है थेन उसके पास यहाँ पर से आपके कुछ जो लोअर फाइबर होते हैं लेटिसमस डोरसाई के वो ओरिजिनेट होते हैं देन इस पूरे सरफेस में जो आपका इलियम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्पेस लेता है वो आपका लेता है ग्लूटियल मसल सो यहाँ से आपका ग्लूटियल मैक्सिमस ओरिजिनेट होता है देन ग्लूटियस मीडियस एंड देन ग्लूटियस मिनिमस ओके हेयर आपका जो ये ट्यूबर्कल था ट्यूबर्कल के अराउंड जो आपकी मसल यहाँ पर ओरिजिनेट होती है मसल नहीं होती वो आ, फेशिया होती है दैट इज़ अ टेंसर फेशिया लेटा ठीक है देन आपकी यहाँ से साटोरियस ओरिजिनेट होती है ठीक है साटोरियस के बाद जो आपका आ, ये आ, एरिया था इन्फीरियर एंटीरियर इं, इन्फीरियर इलेक्स स्पाइन यहाँ से आपकी रेक्टस फेमोरस की स्ट्रेट हेड और जो जो रेक्टस फेमोरस की जो अनदर हेड है रिफ्लेक्टेड हेड वो आपके जस्ट सेटाबलम के ऊपर से ओरिजिनेट होती है देन आपके यहाँ से पैक्टीनियस ओरिजिनेट होती है एडक्टर लॉन्गस ओरिजिनेट होती है रेक्टस एब्डोमिनस ओरिजिनेट होती है और पिरामिडालिस ओरिजिनेट होती है ठीक है देन आपका जो आ, ये सरफेस है पूरा जो आपका रैमस है एलियो प्यूबिक रैमस जिसे हम कहते हैं इस सरफेस से आपके जो मसल्स ओरिजिनेट होते हैं तो सबसे पहले तो इस एप्टोरेटर फॉराम से जो मसल जाती है इसके अलॉन्ग जो मसल जाती है उसे हम बोलते, है उसे हम बोलते हैं ऑप्टोरेटर एक्सटर्नस देन आपकी एडेक्टर ब्रेविस होती है एंड एडेक्टर मैगनस होती है ठीक है ग्रेसिलस मसल भी यहीं पे प्रेजेंट होती है यहीं से ओरिजिनेट होती है देन आपका क्वाड्रेटस फिमोरस मसल जो है ना इस फॉराम के साइड से ओरिजिनेट होता है देन योर ईशियल टिब्रोसिटी जो है ईशियल टिब्रोसिटी से जो आपकी मसल्स आती हैं दैट इज़ योर सेमी टेंडीनोसिस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फिमोरस एंड देन योर सेमी मेमरिनोसिस उसके बाद जो नॉच है दो आपके ठीक है इन नॉचेस के अलॉन्ग जो आपकी जो इसियल इस स्पाइन भी आप इसे कहते हैं इससे सुपीरियर गैम्यूलस एंड देन यहाँ से आपका इन्फीरियर गैम्यूलस जो है ओरिजिनेट होता है ठीक है और पायरीफॉर्मिस मसल जो है ना वो आपके पोस्टीरियर इन्फीरियर इलेग स्पाइन से ओरिजिनेट होती है ठीक है उसके कुछ फाइबर्स यहाँ से ओरिजिनेट होता है लुक इन द पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ ऑफ योर हिब बोन सो पोस्टीरियरली जो आपका हिप बोन है जिसमें इलेग क्रेस्ट से आपकी ट्रांसवर्स एबडामिनस ओरिजिनेटती है देन आपके क्वाड्रेटस लाम्बोरम ओरिजिनेट होती है देन आपका जो ये वाला मसल है दैट इज योर इरेक्टर स्पाइन है ओके हेयर यू कैन सी